आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दानियल की पुस्तक तीसरा अध्याय। नबुकदनेज़र राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबुकदनेज़र राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्याय शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबुकदनेज़र राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंडोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबुकदनेज़र राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबुकदनेज़र राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबुकदनेज़र राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबुकदनेज़र ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबुकदनेज़र ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबुकदनेज़र, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबुकदनेज़र झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए।
तब नबुकदनेज़र राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबुकदनेज़र उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परमप्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने, जो इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें से जलने की कुछ गंध पाई गई। नबुकदनेज़र कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया।